लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया था वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्प्ट ऑफ स्टैक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू देन आल्सो सर्कुलर क्यू और हम लोगों ने इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे भी बात की थी कि हाउ टू इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग अरे हाउ टू इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग अरे हाउ टू इंप्लीमेंट सर्कुलर क्यू यूजिंग अरे लेकिन एक कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम जो हमने इन सारे इम्प्लीमेंटेशन uh, में दे, देखी और वो था ओवरफ्लो वाली प्रॉब्लम है ना हमने स्टैक में भी ओवरफ्लो को चेक किया था कि टॉप इक्वल टू इक्वल टू मैक्साइज माइनस वन देन स्टैक इज ओवरफ्लो हमने क्यू में भी ओवरफ्लो uh, को चेक किया था हमने सर्कुलर क्यू में भी ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक किया और हम कॉन्स्टेंटली डे वन से ये बात करते आ रहे हैं कि यदि आपका बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर

तो वहां पर हमने ओवरफ्लो वाली भी प्रॉब्लम देखी और दूसरी एक प्रॉब्लम यह भी देखी थी कि यदि आपको मान लो स्टैक अंडरफ्लो है अंडरफ्लो इन द सेंस कि मान लो आपने स्टैक लिया है टेन साइज का है ना हमारी मैक्स साइज टेन थी और मान लो आपने तीन एलिमेंट स्टैक में एंटर किए तो रिमेनिंग सेवन की जो स्पेस है वो आपकी टोटली वेस्ट हो रही है तो ये तो टेन एलिमेंट्स की हम बात करें सपोज तो अगर हंड्रेड का आपने स्टैक लिया है या क्यू इंप्लीमेंट किया है तो ये वो था स्टेटिक डेटा स्ट्रक्चर राइट जहां पर हमारे पास अरे था हमने उस अरे को कन्वर्ट किया स्टैक में उस अरे को कन्वर्ट किया क्यू में उस अरे को कन्वर्ट किया सर्कुलर क्यू में राइट right? लेकिन अब हमें यही सारे कॉन्सेप्ट यदि डायनेमिकली इंप्लीमेंट करना है तो अब क्वेश्चन आता है कि सर इन को हम dynamically कैसे implement करेंगे क्यू uh, we'll अब यदि मैं इनको इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो so, मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जितनी मेमोरी एक्चुअली आपके सिस्टम को नीड है इन डेटा को स्टोर करने के लिए आपका सिस्टम उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा यदि मैंने फाइव एलिमेंट्स दिए हैं तो मेमोरी भी फाइव की ही एलोकेट होगी यदि मैंने फिफ्टी एलिमेंट दिए हैं तो मेमोरी भी फिफ्टी की ही एलोकेट होगी एंड राइट नाउ द मार्केट एक्चुअली मोस्टली बेस्ड ऑन द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर नॉट द डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि सबसे मेजर इश्यू जो आता है वो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कि आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी मिनिमम होगी उतनी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर रिजल्ट परफॉर्म करेगी राइट right? उतनी आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर रन होगी तो यदि हम चाहते हैं कि मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट डायनेमिकली इंप्लीमेंट करना है तो इन सारे कॉन्सेप्ट को डायनेमिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट बिकॉज दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर इंप्लीमेंटिंग नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंटिंग दिस ऑल कॉन्सेप्टिंग लिंकलिस्ट क्योंकि डायनेमिकली अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें लिंकलिस्ट को समझना पड़ेगा और फिर हम बात करेंगे स्टैक यूजिंग लिंकलिस्ट जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे स्टैक यूजिंग अरे अब हम बात करेंगे स्टैक यूजिंग लिंकलिस्ट अब हम बात करेंगे क्यू यूजिंग लिंकलिस्ट सर्क्यूलर क्यू यूजिंग लिंकलिस्ट राइट तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि डायनेमिकली इंप्लीमेंटेशन के लिए लिंकलिस्ट का क्या रोल है रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनादर डेटा तो रिलेशन हमें यहां भी मिलेगा बट डिफरेंस केवल यह होगा कि अब यह स्ट्रेटिकटेशन के बजाय डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन होगा अब यहां पर हमें उतनी ही मेमोरी अलोकेट करना है जितनी हमारी नीड है क्योंकि तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि नाउ इज जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में काम कर रहे हैं दे ऑल आर बेसिकली द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर अरे यूज होता है लेकिन वेरी रेयरली मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर बेसिकली वर्क ऑन द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात होती है तो चाहे वो आप सी की बात करें सी प्लस प्लस की बात करें जावा की बात करें दे ऑल आर यूज लिस्ट कॉन्सेप्ट अब यहां पर प्लस पॉइंट ये है कि हमें ये पूरा लिंक लिस्ट क्रिएट करना है यदि यही जावा टेक्नोलॉजी होती तो यू ऑलरेडी गेट अ क्रिएटेड लिस्ट केवल आपको उनको यूज करना है यदि यही पाइथन होता तो आपको एक लिंक लिस्ट क्रिएटेड मिलती बनी बनाई मिलती आपको केवल डायरेक्टली उनको यूज करना है लेकिन हम यहां पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि डायनेमिक डेटा यूजिंग लिंक लिस्ट स्टोर कैसे होता है क्योंकि तो देखिए अब जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि डायनेमिक डेटा स्टोर कैसे होता है अरे तो हमने सी में भी पढ़ा है है ना हमें सी में अरे पता था ठीक है कि अरे क्या होता है कैसे काम करता है हमने सी में ऑलरेडी कई सारे प्रोग्राम अरे को लेकर बनाए थे तो हमने बड़ा इजीली अरे को यूज कर लिया स्टैक के लिए हमने बड़ा इजीली अरे को यूज कर लिया क्यू के लिए लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट में डायनेमिकली लिस्ट को यूज करके इंप्लीमेंट करने की बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले तो आपको लिस्ट क्या है यह समझाना पड़ेगा ना कि बॉस हाउ वी कैन यूज लिंक लिस्ट फॉर एन स्टैक तो स्टैक तो हमें पता है लेकिन वो स्टैक के रूल लिंक लिस्ट पर अप्लाई करने के लिए पहले हमें लिंक लिस्ट का समझ में आना चाहिए कि लिंक लिस्ट एक्चुअली क्या होती है राइट right? तो यहां पर हम क्या बोलते हैं हाउ वी कैन डिफाइन द लिंक लिस्ट राइट कि लिंक लिस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे तो आप देखो यहां पे लिंक लिस्ट को डिफाइन करने से पहले हम ये बात करते हैं कि एग्जैक्टली डायनेमिक मेमोरी का अलोकेशन होता कैसे मतलब हाउ द डायनेमिक मेमोरी इज बेसिकली अलोकेट यहाँ पर हम क्या करेंगे देखो आप स्टैटिक मेमोरी किस तरीके की होती थी कि आपके पास एक अरे है, है ना? आपके पास एक अरे ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं इंटीजर फॉर एग्जाम्पल अरे ऑफ टेन तो ऑटोमेटिकली आपको ए जीरो से लेके ए नाइन तक की एक अलोकेटेड मेमोरी मिल जाती है या आपने क्रिएट नहीं करी आपने केवल डिक्लेरेशन किया एंड कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन दिस अरे फॉर यू और हम हमने क्या किया इसी अरे में डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया ठीक है और फिर जब इसमें डेटा स्टोर हुआ तो हमने इसको स्टैक कन्वर्ट कर लिया क्यू में कन्वर्ट कर लिया सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट कर लिया तो आप समझो ये अरे हमने बनाया नहीं है मतलब ये वो वाली बात है कि आप एक ऑलरेडी फ्लैट है जो ऑलरेडी है आपने केवल जाके उस फ्लैट में अपना सामान रखा और उस फ्लैट को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो वो जैसा है आप उसको वैसा ही यूज करोगे बात समझ में आ रही है तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड अरे हमने इसको बनाया नहीं है। हमने केवल एक declaration किया अरे we'll लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं कि यही डेटा मुझे static की बजाय करना है है क्योंकि यहां मुझे पता है कि अगर लो 100 का ले लिया, तो ये मेमोरी ए जीरो से होगी और जब ये मेमोरी ए जीरो से सपोज अगर मैंने इसमें फाइव एलिमेंट एंटर किए रिमेनिंग नाइनटी फाइव की तो 95 जो मेमोरी है वो टोटली वेस्ट हो रही है

इसी को हमने एक बार पहले भी पढ़ा था थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि क्यों ये मेमोरी फिक्स होती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि जब भी हम हम एक प्रोग्राम लिखते हैं या सी की बात कर रहे हैं यह हर लैंग्वेज पे अप्लीकेबल है हालांकि कि जब भी हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं जो कि हम सी को डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे हैं तो देट्स वाई हम सी का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं देन हम इस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं है ना ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है फर्स्ट लेक्चर आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मतलब ये ये लेक्चर पर भी आपको मिल जाएगा सोर्स सोर्स कोड को हमने कंपाइल किया के बाद हमें प्रोग्राम का क्या मिलता है आउटपुट तो याद ही मैंने आपको बोला था कि प्रोग्राम जब इनपुट से लेकर आउटपुट तक पहुंचता है तो दो इन्वायरमेंट में से जाता है निकलता है राइट

और जो मेमोरी आपकी रन टाइम पे एलोकेट होती है ये कहलाती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन तो आप देखो स्टैटिक मेमोरी का प्रॉब्लम क्या है आपने करे बनाए, 100 का तो अरे ने तो बहुत पहले ही मेमोरी एलोकेट कर लेना डेटा तो आप रन टाइम पे देते हो आप डेटा जब भी एंटर करते हैं प्रोग्राम में डेटा तो हम रन टाइम पे देते हैं और अरे की साइज आपने पहले से फिक्स की हुई है क्योंकि तो ये मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो रही है तो यदि ये मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट हो रही है तो मतलब साइज आपकी फिक्स्ड है

उसके जस्ट बाद मैंने मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट क्रिएट की की ध्यान से समझना इसको एक स्पेस स्पेस इस के हमने हमने दो पार्ट पार्ट रखे हैं अभी हम इसको डिटेल में बात करते हैं। एक हमने इसमें रखा डेटा के लिए अगला डेटा जब आया मान लो ट्वेंटी तो मैंने फिर से मैंने डेटा एंटर कर दिया ट्वेंटी फिर एक नई मेमोरी एलोकेट की स्पेस क्रिएट की थर्टी देन स्पेस क्रिएट की फोर्टी तो आप देख रहे हैं एक चीज कि आप जितना डेटा एंटर कर रहे हैं उसी समय स्पेस क्रिएट हो रही है ये जो स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली ये स्पेस हम कहां पर क्रिएट कर रहे हैं रन टाइम पर कि जैसे ही डेटा आया मैंने ये स्पेस क्रिएट की अपना डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया स्पेस क्रिएट की अपना डेटा इसमें एंटर कर दिया स्पेस क्रिएट की तो बेटा समझना ये जो स्पेस क्रिएट हम कर रहे हैं इस स्पेस को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं वी आर क्रिएटिंग अ नोड हम एक नोड क्रिएट कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू व्हाट इज इज नोड नोड तो नथिंग बट अ स्पेस विच वी आर गोइंग टू क्रिएट टू स्टोर द डेटा इन लिंक लिस्ट ठीक है वो स्पेस जो हम लिंक लिस्ट में डेटा को स्टोर करने के लिए क्रिएट करते हैं इसको बोलते हैं नोड तो एग्जैक्टली exactly हम यहां पर अब स्पेस ना बोल के क्या बोलेंगे हमने एक नोड क्रिएट किया ठीक है उस नोट में डेटा स्टोर कर दिया एक नोट क्रिएट किया डेटा स्टोर कर दिया नोट क्रिएट किया डेटा स्टोर कर दिया लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यह है 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 कि क्या डेटा 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 स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट फॉर्मेट में स्टोर हो रहा इज दिस अ बात नो क्योंकि डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलती है हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनदर डेटा यहां डेटा तो स्टोर हो रहा है लेकिन रिलेशन नहीं है There is no relation, आप मुझे बताओ इस नोट से क्या रिलेशन से क्या रिलेशन है जबकि हम array में जब करते हैं तो मैं पता होता है कि अरे ऑफ जीरो के बाद अरे ऑफ वन है और अगर आपको पता हो तो ये भी पता होगा कि अरे जब मेमोरी एलोकेट करता है तो इसका जो एड्रेस होता है वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में होता है, पढ़ा है हमने सी में कि अगर इसका एड्रेस मान लो वन जीरो जीरो वन है तो अगला एड्रेस वन जीरो जीरो थ्री होगा अगर इंटीजर अरे है तो वन जीरो जीरो फाइव होगा तो तो ये ये तो मुझे पता है कि ये है कि इंटरनली कनेक्टेड लेकिन यहां पर जो नोड आपने क्रिएट करे हैं ये नोड तो मेमोरी में है, मैंने बोर्ड पे सीक्वेंस में लिखा है लेकिन मेमोरी में तो ये जहां स्पेस मिलेगी वहां पर क्रिएट होंगे तो डेफिनेशन तो बॉस ये डेटा स्ट्रक्चर की फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि हमने जो डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ी है वो है हाउ द डेटा इज टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड वॉट इज द रिलेशन ऑफ द डेटा विद अनादर डेटा यहां रिलेशन है ही नहीं आप देखो डेटा मेमोरी में, में स्टोर हो रहा है बट देर इज नो रिलेशन इन बिटवीन द डेटा तो अब क्वेश्चन ये है इसमें रिलेशन कैसे मेंटेन किया जाए तो आप समझना जब भी हम इस तरीके के डेटा को कलेक्ट करने के लिए नोट क्रिएट करते हैं अब ये नोट कैसे क्रिएट होगा सर ये मेमोरी कैसे लोकेट होगी ये सब बात की बातें हैं है ना लेट ले इट बी उसको भी दिमाग में लाना ही नहीं है वो सब हम आगे बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अभी तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि डायनेमिकली डेटा स्टोर होता कैसे तो डायनेमिकली अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो रन टाइम पे हम यूजर से डेटा लेंगे और रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट करेंगे और जो मेमोरी हम रन टाइम पे एलोकेट कर रहे हैं उस मेमोरी को हम क्या क्या बोल रहे रहे हैं 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 वी आर क्रिएटिंग नोड नोड हम 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 एक क्रिएट कर रहे तो exactly हम क्या बोलते नोड बनाएंगे डेटा रखेंगे नोड बनाएंगे डेटा रखेंगे नोड क्रिएट किया डेटा स्टोर किया मीन वी आर क्रिएटिंग अ नोड स्टोर द डेटा क्रिएटिंग अ नोट स्टोर द डेटा राइट एंड ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आप डेटा देते रहेंगे तो एक्जैक्टली exactly पहले तो ये समझ रहे हैं नोट उतने ही क्रिएट हो रहे हैं जितना डेटा आपने दिया है अब यह है कि सर के तो बेसिकली तो पार्ट होते हैं दिस नोड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट एक कौन बोलते हैं डेटा पार्ट और एक कौन बोलते हैं एड्रेस पार्ट समझना एवरी नोड इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट डेटा एंड एड्रेस अब देखो आप नोट के जो दो पार्ट है डेटा और एड्रेस ये दो पार्ट हमने क्यों लिए हैं वी क्रिएट दिस टू पार्ट ऑफ नोट डेटा वो पार्ट होगा जहां पर हम एक्चुअल डेटा रखेंगे ये 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 इंटीजर डेटा हो 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 सकता 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 है ये हो सकता है है कैरेक्टर फ्लोट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डायनेमिकली कलेक्शन किस तरीके के डेटा के लिए क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप के डेटा के लिए या कैरेक्टर टाइप के डेटा के लिए या स्ट्रिंग टाइप के डेटा के लिए दैट इज अप टू यू मैंने बोला है कि बॉस मेरा जो

मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम कोई भी करते हैं चाहे वो चाहे वो वो अरे हो हो वेरिएबल आपको पता इस ए का मेमोरी में कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा तो चाहे आप स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करें चाहे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करें जब भी आप मेमोरी एलोकेट करेंगे वो जो मेमोरी एलोकेट हुई है उस मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा अब यहां पर जो अब ये एड्रेस क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है अभी फिलहाल ये एड्रेस एक्चुअली हम अलोकेट नहीं करते हैं एड्रेस किसी भी स्पेस को अलोकेट करने का, का काम करता है कंपाइलर तो हम पता कर सकते हैं कि एड्रेस क्या होगा राइट लेकिन अभी यहां पर मुझे कोई तो एड्रेस डमी लेके चलना पड़ेगा तो हमने ये मान लिया समझना देखो आप एड्रेस एग्जैक्टली exactly क्या है सी मतलब अगर मैं इसको ऐसे

उस घर में कितने लोग रहेंगे वो भी मेरी चॉइस है लेकिन उस घर का एड्रेस क्या होगा वो मेरी चॉइस नहीं है जो मुझे नगर निगम एड्रेस देगा वही मुझे घर के आगे लगाना है यदि मैंने पे घर बनाया है तो मैं अपने घर के आगे एड्रेस नहीं लगा सकता वन ट्वेंटी सिक्स विजयनगर हैदराबाद बात समझ में आ रही है मुझे एड्रेस अपने घर के आगे वही लगाना है जो मुझे नगर निगम असाइन करेगा इन सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई मेमोरी एलोकेट होती है तो वो चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो उस मेमोरी में जो add, हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस आपको कंपाइलर अलोकेट करके देगा उसको जहां मेमोरी में स्पेस मिलेगी वो आपको वो स्पेस अलोकेट करके देगा यदि वो अरे की स्पेस नहीं है तो क्योंकि अरे की स्पेस सिक्वेंसर ऑर्डर में होती है बात समझ में आ रही है एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया राइट right. तो अगर मान लो यहां पर हमने जब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका नाम है उसकी वैल्यू है ये हंड्रेड वैल्यू है

तो यहां पर हमने जो अभी नोड बनाया है इस नोड में हमने क्या बोला है हमारे नोड में दो पार्ट होंगे एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट तो डेटा वाले पार्ट में तो मैं डेटा स्टोर करूंगा लेकिन एड्रेस वाले पार्ट में क्या होगा तो बच्चे एड्रेस वाले पार्ट में होगा अगले नोट का एड्रेस तो एग्जैक्टली ये जो मेमोरी एलोकेट हो रही है ये किस तरीके से हो रही है जब आपका पहला नोट क्रिएट हुआ मान लो इसका एड्रेस है वन जीरो वन टू जब आपका सेकेंड नोट क्रिएट हुआ तो मान लो इसका एड्रेस है 202701 ये सब एड्रेस हम डमी लेके चल रहे हैं ओके okay? तीसरा एड्रेस है मान लो 1102 सो फोर्थ एड्रेस है सपोज 8012 फिफ्थ एड्रेस है सपोज 7156 तो ये आपके हर नोट के एड्रेसेस हैं अब यदि मुझे इन सारे नोट को आपस में कनेक्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा यदि

तो आपको पता है पॉइंटर क्या करता है जब, उसको मिलता है। जब भी किसी को एड्रेस मिलता है तो वाला इंटीजर टाइप का होगा और ये पॉइंटर टाइप का होगा दिस एड्रेस इज द पॉइंटर टाइप तो एग्जैक्टली exactly हमारा जो नोड बनता है वो नोड कुछ इस तरीके से बनता है देखो आप इस नोड के दो पार्ट होते हैं एक होता है एड्रेस डेटा ठीक है और एक होता है एड्रेस एड्रेस को हम पॉइंटर रखेंगे उसका टाइप हम प्रोग्रामिंग के टाइम पर डिसाइड कर लेंगे कि वो पॉइंटर किस टाइप के वेरिएबल या मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करेगा राइट तो ये जो एड्रेस है ये एड्रेस किसका है नेक्स्ट नोट का तो इसके पास जो एड्रेस पॉइंटर है उसके पास नेक्स्ट नोट का एड्रेस है इसके पास भी तो एड्रेस पॉइंटर है ना हर नोट के दो पार्ट होंगे डेटा एड्रेस डेटा एड्रेस ठीक है डेटा एड्रेस इन डेटा एड्रेस जितने भी नोड आप क्रिएट करेंगे योर एवरी नोड इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट वन इज डेटा पार्ट एंड सेकंड इज एड्रेस पार्ट तो यदि इस पॉइंटर के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है इसका मतलब ये इससे कनेक्ट है यदि इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है मतलब ये इससे कनेक्ट है यदि मतलब इस इसके पास ये एड्रेस है मतलब ये इससे कनेक्टेड है दिस वन इज और ये जो लास्ट नोड है

कमी दिख रही है या there is a one thing which is missing here, कि सर ये collection, जब array होता है तो हमें पता होता है 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 कि अरे जीरो से हो रहा ना हमने stack queue, circular queue में जब भी देखा हमने बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अगर हमारा अरे था तो हमने हमेशा डेटा जीरो से स्टार्ट किया है तो जब हमें अरे पे ट्रैवलिंग करना होती है तो हमें पता होता है कि पहला एलिमेंट हमारा ऑफ जीरो पर है लेकिन ये जो कलेक्शन है इस कलेक्शन में आपका नोड मेमोरी में है तो वो यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये कैसे पता चलेगा तो जब हम ये लिस्ट क्रिएट करते हैं जब हम ये कलेक्शन ऑफ नोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तब क्या करते हैं जो पहला वाला नोड है इस पर एक पॉइंटर असाइन कर देते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्ट स्टार्ट पॉइंटर मतलब स्टार्ट किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहां से आपकी लिस्ट स्टार्ट हो रही है जब भी है, जब भी आपको इस लिस्ट में ट्रैवर्सिंग करना है तो अब यदि हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आप एक्चुअली क्या बना दिया मैंने दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नोड राइट सुनना ध्यान से a collection of a node in which every node is consist of two part data part and address part data is the part where actual data is to be stored address is a part where address of next node is to be stored okay in this collection first node is always at start position and the address of last node is always null such type of list is basically called linked list कहलाती है लिंक लिस्ट तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि पहले हमें एक लिस्ट बनानी है जो आपस में लिंक्ड हो जो आपस में कनेक्टेड हो तो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा मैं लिंक लिंक लिस्ट लिस्ट की डेफिनेशन को फास्ट ले लेता हूं इज कलेक्शन ऑफ नोड इन विच एवरी नोड इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट डेटा पार्ट एंड एड्रेस पार्ट डेटा इज द पार्ट वेयर एक्चुअल डेटा इज टू बी स्टोर्ड एड्रेस इज द पार्ट वेयर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इज टू बी स्टोर्ड इन लिंक लिस्ट

कि स्टैक में से जब हम एलिमेंट को पॉप करते हैं तो वो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि हमारा अरे है तो वो परमानेंटली रिमूव नहीं होता है जब हम क्यू से एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होते हैं क्यों नहीं डिलीट होते हैं परमानेंटली क्योंकि बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर अरे था और यहां पर हम अब हम जो भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे हमारा बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा लिंक लिस्ट वॉट माई पॉइंट तो लिंक लिस्ट के साथ प्लस पॉइंट ये है ये डायनेमिक कलेक्शन

को लेके कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले तो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म किए पुश पॉप एंड डिस्प्ले तीन ऑपरेशन परफॉर्म किए थे इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले और पुश और इंसर्ट बेसिकली सेम मीनिंग होता है केवल स्टैक में पुश वर्ड यूज करते हैं क्यू में इंसर्ट वर्ड यूज करते हैं सिमिलरली इन सर्क्यूलर क्यू लेकिन यहां पर आपको पता है सबसे पहले हम अभी स्टैक लिंकलिस्ट तो बनाई नहीं रहे सबसे पहले तो मुझे लिंक लिस्ट बनानी अरे तो आपको मिल गया था क्रिएटेड आपने डायरेक्टली उसमें डेटा इंसर्ट किया, किया राइट लेकिन यहां लिस्ट यह अभी क्रिएट करना पड़ेगी तो पहला ऑपरेशन हम लिस्ट पर कौन सा परफॉर्म करते हैं क्रिएट क्रिएशन ऑफ लिस्ट एक बार अगर आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई तो सेकेंड ऑपरेशन हम कौन सा परफॉर्म करेंगे देन देन इंसर्ट थर्ड ऑपरेशन डिलीट अब ये जो ऑपरेशन है इंसर्ट और डिलीट इसमें भी मल्टीपल कंडीशन आएंगे जब हम आते हैं अभी नेक्स्ट पे एंड देन ऑपरेशन डिस्प्ले तो ये किसी भी लिंक लिस्ट के चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं मतलब वॉट एवर द लिंक लिस्ट यू आर परफॉर्मिंग वेदर इट इज अ सिंगल लिंक लिस्ट वेदर इट इज अ लिंक लिस्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट सबसे पहले स्टेप में हम लिंक लिस्ट का क्रिएशन देखेंगे देन उसमें नया नोट कैसे इंसर्ट करते हैं ये इंसर्शन नहीं है बच्चे समझना ये क्रिएशन है क्रिएशन का मतलब है पहले बनाओ फिर उसमें इंसर्ट करो डिलीशन का मतलब है जो लिंक लिस्ट है उसमें से नोट को परमानेंटली रिमूव करना है और डिस्प्ले का मतलब है ट्रैवर्सिंग कि मुझे लिस्ट के एलिमेंट को देखना है सो दिस दिस इज आर द बेसिक फोर ऑपरेशन विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन लिंक लिस्ट किसी भी लिंक लिस्ट पर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले आपने क्रिएट करना है देन 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 इंसर्ट करना 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 है then delete करना है then display करना है डिलीट डिस्प्ले अब वन बाय वन हम इन ऑपरेशंस को पहले समझेंगे अभी भी हम प्रोग्रामिंग की बात ही नहीं करेंगे अभी आप प्रोग्रामिंग पे तो दिमाग ही मत लगाओ ठीक है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि नोट कैसे बनाना है कैसे क्या डायनेमिकली एलोकेशन कैसे होगा जब प्रोग्रामिंग पे आएंगे तो सब कुछ डिस्कस करेंगे लेकिन

मेमोरी एलोकेट की और एक पर्टिकुलर डेटा तक वो मेमोरी यूज हो रही है सॉफ्टवेयर एक 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 कि बनवाया कि सर मुझे ना दिन भर में, में मेरा कितना आ, कितना आइटम मैंने सेल किया है मुझे इसका लास्ट में टोटल चाहिए तो आपने कहा ठीक है कौन सी बड़ी बात है एक अरे आपने बनाया कि यार जो भी डेटा सेल हो रहा है आप इस अरे में इंसर्ट करते जाना लास्ट में आपने इसका टोटल लगा दिया

ठीक फिर एक बार इसको समझे फिर लिस्ट लिस्ट पे पे आएंगे आएंगे हम सर्कुलर पे आएंगे, सारे को डिस्कस करेंगे अब मान मान लो लो ये मेरी लिस्ट है दिस नल एड्रेस कोई भी अभी ले सकते, लो ले सकते हैं मैंने लिया पास जीरो पार्ट कंसिजन जीरो 2017 2017 और और पार्ट ये ये एड्रेस मान लो 1101 है है आपका स्टार्ट ठीक हर नोट, नोट, नोट एड्रेस. एड्रेस होगा वो, हो वो किस टाइप का पॉइंटर होगा सब हम प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे तो आप ये मानो कि ये सब एड्रेस पार्ट है डेटा एड्रेस डेटा एड्रेस डेटा एड्रेस डेटा एड्रेस, एड्रेस तो हमारी डेफिनेशन क्या थी कलेक्शन ऑफ नोट इन विच एवरी नोट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट डेटाज न तो ये तो मान लो मैंने पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया क्रिएट राइट right. लेकिन अब जब हम सेकेंड ऑपरेशन की बात करते हैं इन सर्ट तो आप समझना ये अरे नहीं है

ठीक है क्या मैं इस अरे में से ये सोच सकता हूं कि एक एलिमेंट को मैंने डिलीट किया तो ये अरे फाइव की बजाय फोर का हो जाए डायनेमिकली नॉट पॉसिबल मतलब ये सारे ड्रॉबैक है अरे के बिकॉज इट्स एन स्टेटिक डेटा स्ट्रक्चर ना अरे में हम बीच में कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं ना अरे में हम किसी एलिमेंट को डिलीट करके उसको साइज को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है इसमें ये इस सारे ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं है गॉट पॉइंट तो फिर इसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर विच इज द लिंक लिस्ट तो अब इस अरे के प्लेस पे अगर हमने लिंक लिस्ट को यूज किया है तो आप देखो इस लिंक लिस्ट पे जब हम क्रिएशन के बाद इंसर्शन ऑपरेशन की बात करते हैं तो लिस्ट में इंसर्शन तीन प्लेसेस पे होता है फर्स्ट फर्स्ट मिडिल मिडिल एंड लास्ट ठीक है लेकिन लिस्ट में जब भी आप नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी लिस्ट डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि नया एलिमेंट आया और पुरानी लिस्ट को वो डिस्टर्ब कर रहा है तो इस तरीके से मुझे इंसर्शन को समझना है दैट right? तो मुझे हाथ बांध के कोई गेम खेल रहे हैं ठीक है वो आपस में उनके हैंड्स कनेक्टेड है और जो फर्स्ट है पिंटू मान लो उसका नाम पिंटू है तो पिंटू के हाथ में स्टार्ट का बोर्ड है ये सब गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं राइट तो ये जो पिंटू है इसके हाथ में स्टार्ट है मतलब यहां से आपकी लिस्ट स्टार्ट हो रही है अब मान लो एक नया आया कोई आया चिंटू अब चिंटू ने बोला मेरे को भी खेलना है और मैं पहली पोजिशन पे आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा उसको पहली पोजिशन पे आने के लिए पिंटू का हाथ पकड़ना पड़ेगा है ना और वो जो बोर्ड है वो बोर्ड पिंटू को किसको देना पड़ेगा चिंटू को अरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो यदि मान लो इस लिस्ट में मुझे नया नोड फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो सबसे पहले तो मुझे नया नोड बनाना है So that I a new node. ये मैंने नया जब भी आप एक लिस्ट में नया नोट क्रिएट करेंगे हमेशा पहले उसको रेडी करो है ना मान लो इस, इस नोट को मैंने रेडी किया इसमें डेटा दे दिया मैंने सेवेंटी फाइव डेटा का को कोई सिक्वेंस नहीं है ये टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी होगा वो कुछ भी हो सकता है डेटा राइट अब जब इसके एड्रेस वाले पार्ट की बात आएगी ना तो फिलहाल इसमें हम नल देंगे क्योंकि अभी हमारा नया नोड है तो नए नोड को हम हमेशा डेटा और एड्रेस के साथ पहले रेडी करते हैं कि इसके डेटा वाले पार्ट में हमने डेटा दे दिया और इसके एड्रेस वाले पार्ट में हमने एड्रेस दे दिया और ये अभी नल रहेगा स्टार्टिंग में नल है लेटर ऑन विल डिस्कस कि इसमें क्या आने वाला है और मान लो अगर इसका एड्रेस है एनीथिंग वन जीरो वन जीरो इस नोट का एड्रेस है तो अब यदि मुझे इसको इस ये ये नोट मैंने बना तो लिया है ना मैंने एक नया नोट क्रिएट कर लिया है लेकिन अब मुझे इसको लिस्ट में इंसर्ट करना है क्योंकि तो मैंने ऑपरेशन कौन सा बोला है इंसर्ट ऑन फर्स्ट कि नया नोट मुझे किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे तो यदि इस नोट को मुझे फर्स्ट पोजिशन पे इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो एड्रेस है ये एड्रेस मुझे इसको नल हटा के देना पड़ेगा एंड देट इज वन है ना अब यदि इस नयन वाले नोड का नाम सपोज मैंने बोल दिया न्यू है सपोज इट्स न्यू तो यदि मैंने इसको 1101 दे दिया तो इसका मतलब है ये इसको पॉइंट करने लगा ठीक है तो ये इससे कनेक्ट तो हो गया लेकिन स्टार्ट तो अभी भी यहीं से हो रहा है ना तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा जब ये नोड आपका इससे अटैच हो गया तो इस नोड से न्यू को हटा के यहां पर हमें किसको शिफ्ट करना पड़ेगा स्टार्ट को तो अब इस पहले वाले नोट को जिसको आपने अटैच कर दिया है हम अपना स्टार्ट पॉइंटर इसको साइन करते हैं और अब इसके बाद अगर मैं लिस्ट को देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि बॉस दिस नाउ माय लिस्ट विल गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन तो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड इंसर्ट ऑन फर्स्ट आप पहले सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ लो क्योंकि तो इसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद कि कैसे इंसर्ट फर्स्ट हो रहा है लेकिन तभी होगा जब आप पहले एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझोगे कि यदि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे एक नया नोड इंसर्ट करना है तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है नया नोट क्रिएट करना है नया नोट क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है नए नोट को एग्जिस्टिंग लिस्ट से अटैच करना है फर्स्ट पोजिशन से देन मुझे स्टार्ट को यहां से यहां मूव करना है सो दिस इज माई ऑपरेशन इंसर्ट ऑन फर्स्ट कि में इंसर्ट ऑन लास्ट है एक और बच्चा है, उसने मेरे को भी खेलना है अरे वही गेम चल रहा है ना तो राजू आके कहा चाहता है लास्ट में अटैच होना चाहता है तो राजू को अगर लास्ट में जाना है तो ये मान लो आपका नया नोट आपने बनाया क्रिएट किया सबसे पहले तो मान लो इसमें आपने डेटा दे दिया नाइन इसका भी एड्रेस पार्ट अभी क्या है नल क्योंकि जब भी हम नया नोट बनाएंगे हमेशा एड्रेस वाले पार्ट को नल रखेंगे और मान लो इसका एड्रेस है टू वन टू वन एड्रेस में भी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो एड्रेस है ये लास्ट वाले जो एग्जिस्टिंग अभी लास्ट नोट है उसके पास जो एड्रेस वाला पॉइंटर है उसको ये एड्रेस देना पड़ेगा टू वन टू वन तो ये इससे अटैच होगा

अब सर ये कैसे दिया प्रोग्राम अरे मैं आपसे फिर बोल रहा हूं ना प्रोग्रामिंग पे अभी आप दिमाग ही मत लगाओ आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो सब होगा प्रोग्रामिंग में बाकायदा हम इसको इससे अटैच करेंगे जस्ट वेट फॉर द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट समझ लो प्रोग्रामिंग अपने आप समझ में आ जाएगी ठीक है तो ये हो गया हमारा इंसर्ट ऑन लास्ट लेकिन जब हम बात करते हैं इंसर्ट ऑन मिडिल इंसर्ट ऑन मिडिल क्या मुझे एक नया नोट मिडिल में इंसर्ट करना है तो बच्चे समझना है एक चीज

तो बाकायदा उससे पूछेंगे कि भैया आपको कौन से वाली मिडिल पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है तो उसने मुझे क्या बोला सर पोजीशन इज सपोज वन टू थ्री फोर फोर्थ पोजीशन पे मुझे नया नोड इंसर्ट करना है ना उसने बोला इंसर्ट ऑन मिडिल में भी कौन सी पोजीशन फोर्थ पोजीशन तो यदि नया नोड मुझे फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो ये मेरा नया नोड है ना इसके डेटा वाले पार्ट में आपने रखा सपोज एनीथिंग 120 एड्रेस पार्ट अभी क्या है नया नोड है तो एड्रेस पार्ट क्या होगा नल और मान लो इसका एड्रेस है टू वन जीरो खड़े हुए पहले कौन आया था चिंटू फिर आया था राजू अब एक और आया मोनू अब जो मोनू आया तो मोनू बोलो सर मेरे को बीच में इंसर्ट होना है इंसर्ट होना है तो इंसर्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो थर्ड और फिफ्थ पोजीशन वाले हैं। दोनों के हाथ छोड़ने पड़ेंगे मोनू मोनू को को फोर्थ पे लाना पड़ेगा। को पड़ेगा, थर्ड वाले बोलना इसका हाथ मतलब मुझे क्या करना है, ये इसको करना है। तो इसके एड्रेस वाले पार्ट के पास जो पॉइंटर है अभी इसके पास कर रहा है इसलिए यदि ये एड्रेस इसके पास से चला गया और टू वन जीरो फाइव आ गया तो इसका मतलब है ये इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने लगेगा और इसके जो एड्रेस वाला पार्ट है इसको मैंने दे दिया वन एट जीरो फाइव तो ये इसको छोड़ के इसको पॉइंट करने चला गया ये आ गया बीच में आपका नोड इंसर्ट हो गया क्योंकि तो कि आपने पोजिशन फोर बोली थी तो वन टू थ्री फोर फोर्थ पोजिशन पे हमारा नोड इंसर्ट हो गया क्लियर हो रहा है ठीक है तो तो लेकिन ये सब कब के बाद पहले तो list create करना है है हम insertion की बात करेंगे ठीक और ये अभी कोई रूल रेगुलेशन वाली लिस्ट नहीं है क्वेश्चन आता सर हमने स्टैक में तो ऐसा किया ही नहीं था स्टैक में तो स्टैक के रूल अपलीकेबल थे अरे तो मैं अभी कहां बोल रहा हूं ये स्टैक लिस्ट है मैं तो बोल रहा हूँ लिस्ट है और लिस्ट पे इंसर्शन

लेकिन अब थोड़ा सा इसको फिर से ठीक कर और अब ये ध्यान रखना कि जब अरे को आप बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर यूज कर हैं तो परमानेंट एलिमेंट डिलीट नहीं होता है क्योंकि तो अरे आपका क्रिएटेड अरे नहीं है लेकिन जब आप लिंकलिश से एलिमेंट को परमानेंटली डिलीट करेंगे

लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लो क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टी परसेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट डिपेंडेंट जब हम ट्री के टॉपिक की बात करेंगे पूरा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है जब हम ग्राफ में आएंगे पूरा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन है ठीक है तो लिंक लिस्ट अब आने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से नाइनटी डेटा स्ट्रक्चर आपका डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है आर फ्यू टॉपिक जो हम अब स्टैक सॉरी अरे को लेके इंप्लीमेंट करने वाले मोस्ट ऑफ द टॉपिक अब जब हम पढ़ेंगे वो हमारा लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंटेशन होगा राइट right? तो अब यदि हम बात करें डिलीशन की तो सपोज पहला ऑपरेशन यहां भी क्या है डिलीट फ्रॉम फर्स्ट कि मुझे फर्स्ट पोजीशन के नोट को डिलीट करना है मतलब देखो फिर से वही बात वो बच्चे खेल रहे हैं पहली पोजीशन पे कौन था याद है ना चिंटू था ठीक है अब वो चिंटू कि मम्मी आ गई कि भैया चलो घर चलो बहुत टाइम हो गया तो यदि ये चिंटू जो पहली पोजीशन पे है यदि इसने हाथ छुड़ाया और भाग गया तो ये स्टार्ट का बोर्ड भी ले जाएगा ना तो मेरे को चिंटू को क्या बोलना है भैया तू घर जा रहा है लेकिन हम तो अभी यहीं है ना तो एक्जैक्टली exactly कॉन्सेप्ट क्या है चिंटू बोर्ड देगा अगले को और फिर वो ये कनेक्शन खत्म करेगा और घर जाएगा तो सेम कॉन्सेप्ट समझो कि यदि मुझे इस नोट को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे इस नोड इस नोट पे जो अभी मेरा पॉइंटर है जहां से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है क्योंकि आप समझना इस पूरी लिस्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है मेमोरी में, में वो ये पॉइंटर है जिसको हम आइडेंटिफायर बोल रहे हैं कि इस पूरी लिस्ट को मेमोरी में, में कहां से स्टार्ट हो रही है तो ये स्टार्ट से पता चल रहा है कि स्टार्ट जिस नोट पे रखा है वहां से लिस्ट स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसके बाद के तो सारे एड्रेस एक दूसरे के पास है मैं यहां से यहां मूव कर सकता हूं मैं यहां से यहां मूव कर सकता हूं बिकॉज आई एम एन एड्रेस लेकिन शुरुआत कहां से हो रही है तो स्टार्ट तो पता है ना और सपोज अगर मैंने इस नोट को डिलीट कर दिया और अगर ये नोट नोट डिलीट 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 हो हो गया तो तो स्टार्ट भी डिलीट हो जाएगा ना तो इसलिए इस को डिलीट करने से पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमने स्टार्ट को सपोज यहां पर लेके आ गए ठीक है

डिलीट फ्रॉम लास्ट यदि मुझे लास्ट पोजिशन के नोट को डिलीट करना है इफ आई वॉन्ट टू रिमूव द एलिमेंट एट द लास्ट पोजिशन यदि आपको लास्ट पोजिशन के नोट को डिलीट करना है तो फिर से दो काम कर रहे हैं अब वो लास्ट में जो था राजू उसको भी घर जाना है राइट right. तो ये यदि गया आप समझना यदि ये कनेक्शन को ब्रेक करके घर चला गया तो ठीक है भैया जा दो घर लेकिन आप सोचो यदि ये नोट ही नहीं है तो इसका मतलब है इसके एड्रेस वाले पार्ट के पास कुछ भी नहीं है और अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगी यदि हम इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे जब सी में तो उस नोट के पास तो गार्बेज वैल्यू होगी जबकि हमारे रूल के हिसाब से लास्ट नोट के पास क्या होता है नल तो जो नोट अभी आपने रिमूव किया उसको तो हटाओ और जो उसका प्रीवियस नोट है उसको क्या साइन कर दो नल तो जब भी लास्ट पोजीशन के नोट को हम डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले नोट को डिलीट करेंगे लेकिन उसके पहले कनेक्शन को ब्रेक करेंगे कनेक्शन को ब्रेक कैसे करेंगे मतलब ये नोट बाद में डिलीट करेंगे अभी ये नोट इससे कनेक्टेड है राइट right. तो सबसे पहले मान लो इसका एड्रेस है ये सॉरी सेम एड्रेस हो 2100. तो इसके पास अभी मान लो टू वन जीरो जीरो है तो मैं पहला काम क्या करूंगा प्रीवियस वाला जो नोड है लास्ट के पहले वाला उसके एड्रेस को नाला असाइन कर दूंगा जब ही नाला असाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन खत्म हो जाएगा एंड देन आफ्टर वी विल रिमूव दिस नोड फ्रॉम द मेमोरी राइट तो वो जो नोट डिलीट होगा ये भी परमानेंटली मेमोरी से रिमूव होगा राइट तो ये हो गया आपका डिलीट डिलीट फ्रॉम फ्रॉम लास्ट ओके अब इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है है मिडिल तो फिर वही बात यहां पर भी आ गई ना जो इंसर्शन में हमने बात की थी कि यदि मिडिल का नोट डिलीट करना है तो बेटा मिडिल ये भी हो सकता है मिडिल ये भी हो सकता है मिडिल ये भी हो सकता है ठीक है अभी चार नोट है फाइव नोट है और भी नोट होते तो मिडिल और भी पोजिशन होते ओके okay, तो यदि मुझे डिलीट फ्रॉम मिडिल करना है मिडिल मतलब ये मोनू को जाना घर निकल गया तो इधर वाले इधर रह जाएंगे इधर, वाले इधर रह जाएंगे समझ आ ना अगर मैं बीच में से हाथ छोड़ के भाग गया तो आधी लिस्ट इधर आधी लिस्ट इधर तो, तो लिस्ट डिस्टर्ब हो गई ना मेरी तो क्या करना है यदि इस नोट को डिलीट करना है तो सबसे पहले इसका जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस इस डिलीट करने वाले नोट के प्रीवियस वाले नोट को देना है मान लो ये आपका प्रीवियस नोड है ये आपका नेक्स्ट नोड है, है ना और ये नोड है जिसको डिलीट करना है ये नोड को डिलीट करना है तो ये जो नोड है नेक्स्ट वाला इसका एड्रेस किसको देना है प्रीवियस वाले नोट के एड्रेस को मतलब वन वन सेवन नाइन तब जाके ये कनेक्शन इधर मेंटेन करेगा और अब इस नोट को मेमोरी से डिलीट कर देंगे हम तो अब अगर मान लो ये नोट मेरा डिलीट हो गया तो मेरी लिस्ट भी डिस्टर्ब नहीं हुई नोट भी मेरा इजीली डिलीट हो गया लिस्ट चाहोगे तो आई होप यू अंडरस्टैंड है ना हमने बात की इंसर्ट ऑन फर्स्ट इंसर्ट ऑन मिडिल इंसर्ट ऑन लास्ट डिलीट फ्रॉम फर्स्ट डिलीट फ्रॉम मिडिल डिलीट फ्रॉम लास्ट

यहां पर आप कैसे चलोगे एनी वन किस लिस्ट के एलिमेंट जब डिस्प्ले करना होंगे तो कहां से शुरू करेंगे और कहां तक चलेंगे बिल्कुल right? मतलब और तब तक विजिट करना है जब तक आपको नल ना मिल जाए मतलब उस नोट के डेट उस नोट तक विजिट करना है उस नोट तक भी नहीं मतलब जब तक आपको नल ना मिल जाए मतलब जब तक नल ना मिल जाए आपको नोड विजिट करते जाना है मतलब ये डेटा मैंने डिस्प्ले किया ठीक है आगे बढ़ा नल आ गया क्या नहीं आया अभी टू जीरो मैंने यहां से स्टार्ट किया मान लो ये एड्रेसेस को चेक कर रहा हूं मैं है ना ये एड्रेसेस को चेक करते जा रहा हूं क्या मेरे पास अभी नल है नहीं है अभी जो एड्रेस है वो वन वन जीरो वन है तो इसका डेटा डिस्प्ले कर दिया टेन आगे बढ़ा ये भी नल नहीं है ठीक है मान लो नेक्स्ट को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं ये भी नल नहीं है इसका डेटा डिस्प्ले कर दिया ट्वेंटी फिर आगे बढ़ा ये भी नल नहीं है ठीक है इसका डेटा डिस्प्ले कर दिया फोर्टी फिर आगे बढ़ा नल अभी भी नहीं है नल नहीं है क्योंकि नल नल तो तो इसका एड्रेस है है ये खुद तो नहीं है ना तो इसका डेटा डिस्प्ले कर दिया सपोज दिस इज फोर्टी अब जब नेक्स्ट को आगे बढ़ाया तो मुझे अब ये नल मिला तो जब नल मिला मतलब अब मैं अपने ट्रेवर रोक रो तो यहां पर जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे ना तब मैं बात करूंगा नोड के दो एड्रेस है मतलब नोट के पास दो एड्रेस है खुद का एड्रेस और एक अगले नोट का एड्रेस तो हमें डिस्प्ले करते उस नोट को का एड्रेस नहीं देखना है क्योंकि अगर आप एड्रेस देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप अभी मैं इस वाले एड्रेस को चेक करके नल मतलब डेटा डिस्प्ले कर रहा हूं ना जैसे फिर से देखो आप ये एड्रेस नल नहीं है डिस्प्ले कर दिया एड्रेस नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया एड्रेस नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया एड्रेस नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया लेकिन अगर इसी की जगह मैं ये बोलता इस नोट का एड्रेस वाला पार्ट देखो तो ये एड्रेस ये नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया ये नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया ये नल नहीं है डेटा डिस्प्ले कर दिया पर यह तो नल है ना और अगर ये नल होगा तो इसका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा मतलब लास्ट नोट का डेटा डिस्प्ले नहीं होगा तो, तो इसीलिए जब डिस्प्ले करने की बात होती है तो हम नोट का एड्रेस चेक करते हैं नोट के एड्रेस वाला पार्ट चेक नहीं करते हैं खुद नोट का एड्रेस चेक करते हैं क्योंकि यहां दो एड्रेस हैं इसके पास एक खुद का एड्रेस और एक अगले नोट का एड्रेस ये इस नोट का खुद का एड्रेस है और ये इस नोट के पास अगले नोट का एड्रेस है तो हर नोट के पास दो एड्रेस है एक खुद का और एक नेक्स्ट नोट का बात समझ में आ रही है इसको प्रोग्रामिंग में और अच्छे से समझाऊंगा मैं डोंट वरी लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझो मैं धीरे धीरे कोडिंग पे आ रहा हूं कि आपको हर नोट के पास दो एड्रेस मिलेंगे एक एक खुद का और एक उसके पास जो एड्रेस है वो तो एक ही है तो एड्रेस एंड नेक्स्ट नोट का एड्रेस एड्रेस एंड नेक्स्ट नोट का एड्रेस एड्रेस एंड नेक्स्ट नोट का एड्रेस राइट तो दो तरीके से हमें इन एड्रेसेस को चेक करना पड़ेगा इनकेस यदि आपको इस नोट पे रुकना है तो आपको इस वाले पार्ट को देखना पड़ेगा पड़ेगा कि ऐसे नोट पर रुकना है जिसका एड्रेस नल है लेकिन यहां मुझे डिस्प्ले करना है तो हमने डेटा डिस्प्ले करने के लिए तब तक आगे बढ़ते गए जब तक नल नहीं आ जाता ठीक है तो नल नहीं आया डिस्प्ले किया नहीं आया डिस्प्ले किया नहीं आया डिस्प्ले किया नहीं आया डिस्प्ले किया।, किया अब नल आएगा तो ट्रेवर्सिंग आपके रुक जाएगी ओके तो दिस इज वॉट द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट एट द एंड में फिर से रिपीट कर रहा हूं

कि ये जितना भी हमने पढ़ाई आपने बोल तो दिया नोट का ये बॉक्स तो हम नोट क्रिएट करेंगे हम नोट को आपस में कनेक्ट करेंगे उसमें इंसर्शन करेंगे अरे सब होगा जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन देखने वाले हैं यूजिंग सी लैंग्वेज ओके सो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर एंड इफ यू हैव एनी डाउट छोटा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप हमें मेल कर दीजिए एंड आई एम रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम ओके सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट ओके थैंक यू सो मच